नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। और एक बार मैं आप सभी का इस चैनल में और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा जो एकेडमिक चैनल है उसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स। इस चैनल के द्वारा मैं अब तक बहुत सारे वीडियोस शेयर करता हूं, जिसमें आप करियर ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, कॉमर्स नॉलेज होता है, मैनेजमेंट नॉलेज होता है। तो आप सभी को मेरा एक दरख्वास्त है, अभी तक अपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, ताकि आप इस प्रकार के वीडियोस आगे जाके भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमें IIM में MBA के लिए एडमिशन लेना है तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। अगर हमने CAT क्लियर किया है, GMAT क्लियर किया है और हम अगर MBA में IIM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हम सब लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी वरीड होते हैं। हमें थोड़ी सी फिक्र होती है क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कितनी फ़ी हमें भरनी पड़ेगी, एक साल के लिए कितनी फ़ी होगी। ये सारे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं जब हम MBA के एडमिशन के बारे में सोचते हैं। तो और ये जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो जैसे कि हम MBA के बारे में वीडियो देख रहे हैं, पिछला जो हमने वीडियो देखा था उस वीडियो में हमने देखा था कि MBA और IIM में क्या कनेक्शन है, क्यों लोग IIM में ही MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं और IIM ये कैसा अदर इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट है, जो हम बाकी के इंस्टीट्यूट में देखते हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं देख पाते, और जो हम IIM में देखते हैं वो बाकी के इंस्टीट्यूट में हमें क्यों देखने के लिए नहीं मिलता है। ये सारे सवालों के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे अगर मुझे IIM में MBA के लिए एडमिशन लेना है तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा और कितनी फ़ी मुझे एक साल के लिए भरनी पड़ेगी और MBA के कोर्स के लिए कितना फ़ी भरनी पड़ेगी। ये सारे सवाल और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। तो मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त इस चैनल में, इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये मेरा एकेडमिक इंसाइट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसी पे भी क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। जैसे कि मैंने बोला, भारत में तकरीबन 20 से ज़्यादा IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से MBA की डिग्री, MBA का कोर्स सारी भारतीय जनता को ऑफर किया जा रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं काफ़ी तगड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है, जो भारत के छात्रों को, भारत के लड़कों को, लड़कियों को जो MBA करना चाहते हैं उनको MBA प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर ये तगड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भारत की सबसे पुरानी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो MBA के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जब भी हम MBA के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIM। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मुझे और हमें IIM में एडमिशन लेना है, कोई भी संस्थान हो, जैसे कि मैंने बोला भारत में तकरीबन 20 से ज़्यादा IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस में हमें अगर एडमिशन लेना है, अगर मुझे बेंगलोर के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, अगर मुझे अहमदाबाद के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, अगर मुझे नागपुर के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, ये सवाल हमारे दिमाग में होता है। और जब तक हमें इस सवाल का आंसर नहीं मिलता तब तक हम बेचैन होते हैं। मुझे पता है जहाँ पे भी सवाल पैसे का सवाल आता है तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें एडमिशन लेना है भारत के इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन में, IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, MBA के लिए, तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। देखते हैं, मेरी सबसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा और मैं आपके हर एक सवाल का यहाँ पर जवाब दे दूँगा। तो देखते हैं, अगर मुझे IIM में MBA का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है यह देखना है तो ये है फ़ीस स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला, भारत में 20 से ज़्यादा IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं जो MBA कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं।
इस फीस में जो भी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है उसमें कम ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। ये जो फिगर्स हैं इसमें अपडेशन हुआ होगा, मगर ये है जनरली इतना फी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। जहाँ तक IIM अहमदाबाद का सवाल है, 22 लाख रुपए पर ईयर आपको फीस है। उसके बाद सीट्स जो हैं वो सीट्स हैं 405 सीट्स के बारे में फ़िलहाल तो हम सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर IIM बेंगलोर का सवाल है, वहाँ पे 21 लाख फ़ी है। IIM कलकत्ता के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे है 21 लाख अगेन। IIM लखनऊ के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे है 14 लाख्स। IIM कोझिकोड़े के बारे में देखेंगे तो 16 लाख्स वहाँ पे फ़ीस है। IIM इंदौर के बारे में हम देखेंगे तो IIM इंदौर में 17 लाख रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा हर साल। IIM ट्रिची में देखेंगे तो वहाँ पे 13 लाख फ़ी है। IIM शिलोंग में 15 लाख, IIM रांची में 14 लाख, IIM नागपुर में 12 लाख, IIM रायपुर में 12 लाख, IIM उदयपुर में 11 लाख, IIM काशीपुर में 11 लाख, IIM संबलपुर में 10 लाख, IIM बोधगया में 10 लाख, IIM रोहतक में 12 लाख, IIM विशाखापट्टनम में 12 लाख, IIM सिरमौर में 12 लाख, IIM अमृतसर में 12 लाख, IIM जम्मू में 12 लाख आपको फ़ी देना पड़ेगा अगर हमें MBA में एडमिशन लेना है। नो डाउट फीस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मगर जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, जब हम वहाँ पे मिलने वाला एजुकेशन, वहाँ पे मिलने वाला आपको स्कोप, आपका एक्सपोजर, उसके बारे में सोचेंगे तो ये फ़ी वर्थ है। तो ये है IIM MBA की फ़ी स्ट्रक्चर। अगर हमें MBA में एडमिशन लेना है IIM में तो इतना सारा फ़ी भरना पड़ेगा, मगर फ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए एजुकेशन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उतना वर्थ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये है फ़ी स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा अपडेशन प्लस माइनस ज़रूर है। तो एकेडमिक ईयर से इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं और इसमें चेंजेस हुए ही होंगे ऐसा मुझे लगता है, मगर एक जनरल आईडिया आपको इस वीडियो के दौरान मिला होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है उस पर भी प्रेस करो, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैंने आपको जो भी बोला मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड दोस्तों में रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनका भी उनको भी इस प्रकार की वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कमेंट बॉक्स वहाँ पे दिख रहा है उसमें कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम हमारे वीडियोस को आगे जाके और अच्छा बना सकें और आप तक दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। I don't know.